हरि हर करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से इस नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग परम पूजनीय माँ बाबा और हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो हमने शुरू किया है शाम के 4 बजे से, और आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं इडली और शाम की तैयारी हम कर रहे हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारे सर पर किसी पूर्ण गुरु की छत्र छाया नहीं है तो हम कभी भी किसी भी फील्ड में सफल हो ही नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। आज से 5 साल पहले जब हम दरबार नहीं आए थे, उससे पहले जीवन में उथल पुथल तो चल ही रही थी, लेकिन जैसा मुझे आप लोग आज देखते हैं कि मैं मेहनत कर रही हूँ और हमें उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। ये मेहनत कुछ भी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ आज से 5 साल पहले, दरबार आने से पहले जो हम मेहनत करते थे, हम 6 भाई बहन थे, उस सब 6 साल पहले सब छोटे थे, किसी की शादी भी नहीं हुई थी, तो उस समय हम 6 भाई बहन बहुत कड़ी मेहनत करते थे। जॉब भी मैं करती थी, साथ में दुकान भी डाली थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी धीरे धीरे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेके शेयर करूंगी, बताऊंगी। तो ये जो मेहनत आप देख रहे हो ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत हम 5 साल पहले कर चुके हैं। बहुत मेहनत किया है, पता है क्यों? सफल होने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। अच्छी ज़िंदगी मतलब उस समय हमको लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, और क्योंकि माहौल ही वैसा था, हम गरीब लोग थे, तो ऐसा होता है कि पैसा आ जाए तो घर गाड़ी बंगला एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाए, तो ये सोच के हिसाब से हम मेहनत करते थे पैसे के लिए। तो बहुत मेहनत किया, और लेकिन पैसा कभी बचा ही नहीं। पैसा आता था, पैसा कहाँ जाता है कुछ भी पता नहीं चलता था। उसके बाद समस्या जो है ना, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं। एक समस्या ख़त्म होती थी, सामने 4-5 समस्या और खड़ी हुई दिखती थी, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। एक समस्या गई, उसको ख़त्म किए, दूसरे में फंसे, उसको ख़त्म किए, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि हम टूट गए, कुछ नहीं बचा। उस बीच में ऐसा हुआ ना कि भगवान की याद आती है। उस समय हम जैसे जो जनरेशन होते हैं, भगवान ना भूत प्रेत को मानते नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी जब आप हार जाते हो ना तो आपको भगवान की याद आ ही जाती है। तो मैं बचपन से ही था कि मैं अन्य देवी देवताओं के बारे में नहीं जाना ज़्यादा जानती थी, लेकिन शिव जी की पूजा मैं बचपन से ही करती थी। मुझे याद है जब मैं 13 साल की थी, तब से मैंने बहुत निर्जला व्रत मैंने भगवान शिव जी के लिए मैंने करना शुरू कर दिया उनके नाम से। सोमवार का व्रत करना, निर्जला व्रत करना, जितना मुझे पता था उतना सब कुछ मैंने करना शुरू कर दिया। शायद उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आज पूर्ण गुरु हमारे करौली शंकर महादेव बाबा मिले, ये दिव्य दरबार मिला। बहुत सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोग को शेयर करती रहूँगी। इस वीडियो में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई नया मेरा वीडियो, कोई नए व्यक्ति, कोई नया बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, तो आपको पूर्ण गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर आपको पूर्ण गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भगवान शिव जी की आराधना शुरू कर दीजिए, आपको सही राह सही मार्ग मिल जाएगा। उसके बाद ये होगा कि आप जो भी करेंगे, जो भी आप चाहेंगे, वो धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने शिव जी की पूजा करके बहुत कुछ पाया है। उसके बाद जो चीज़ें नहीं मिल सकी उसके लिए महादेव ने मुझे पूर्ण गुरु की शरण में भेज दिया, और आज चीज़ें सब कुछ सही हो गया है। ये जो मेरी अभी आप लोग लाइफ देख रहे हो ना, ये शादी के बाद मैं अलग DNA में गई, शादी के बाद वाली स्ट्रगल है, और इसमें भी
ये स्ट्रगल पता नहीं चलता है, इतना स्मूथ तरीके से चल रहा है जीवन और इतने आनंद में हम रहते हैं, हम बता नहीं सकते, हम बहुत सुखी हैं। ठीक है, बस ये कर्म है जो हमें करना पड़ रहा है, बाकी कोई कमी नहीं है हमें, हम बड़े सुखी हैं तो कोई कमी नहीं है। और हम सभी को महादेव की भक्ति करनी चाहिए, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो, और गुरु हैं तो उनके प्रति समर्पित हो जाइए, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए इसमें भी क्या होता है ना, पूर्ण गुरु की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, समस्या कम होने की जगह पर समस्या हमारी बढ़ते जाती है। तो इसकी पहचान कैसे करें? अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके अंदर ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम पहचान कैसे करें। देखिए पूर्ण गुरु की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इनकी शरण में जाने के बाद क्या हम स्वस्थ हुए कि नहीं। अगर आप स्वस्थ हो रहे हो, चीज़ें सुधर रही हैं, सब मंगल हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप पूर्ण गुरु की शरण में हैं। अगर समस्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है तो समझ जाओ कि वो अपूर्ण है, फिर आपको सोचना चाहिए। अभी रात के 9 बज रहे हैं और एकदम सुनसान हो गया है, ऐसा लग रहा है 3 घंटा दिन जो है ना छोटा हो गया है। पहले 7 बजे भी ऐसा लगता था कि पूरा उजाला है, लेकिन अब तो 5 बजे ही ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा होना शुरू हो जा रहा है। तो 9 बजे ऐसा लग रहा है कि पूरा सब लोग सो हो गए हैं, आधी रात हो गई है, ऐसा लग रहा है। मतलब दिन जो है ना एकदम छोटा होते जा रहा है और रात बड़ी होते जा रही है, ये देख सकते हैं। और हमने अपना पूरा साफ सफाई कर लिया, बर्तन वर्तन माँज के, चल आओ, चल उठ उठ जा, चलो रोटी ले, चलो 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 उठ जाओ। गुरुदेव को प्रणाम, ने की जय। कितना अच्छा लगता है, गुरुदेव साक्षात इसमें से देख रहे हैं, है ना? मतलब इतना अच्छा ये फोटो किसने निकाला है, ऐसा लगा कि साक्षात गुरुदेव देख ही रहे हैं, मतलब मौजूद ही हैं यहाँ पे। हाँ, जीवन ऐसा लगता है गुरु जी हैं और हमसे बतिया रहे हैं, हमको देख के स्माइल दिए हैं, जैसे स्माइल देते हैं ना गुरुदेव हमको देख के, सेम ऐसे ही है। वाह वाह वाह, आपकी कमी नहीं खलती है फोटो देख के, वाह। बाबा माँ को प्रणाम कर लिए हैं, दरबार पहुँच गए हैं। और इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। आप सभी को हर हर महादेव।